राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संत महाराज कालीचरण की जमानत पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और देर शाम अदालत ने आखिरकार कालीचरण को जमानत दे दी है। महाराज कालीचरण की तरफ से सीनियर एडवोकेट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, साथ ही किताबों में लिखी हुई बातों को भी प्रस्तुत किया। दोनों पक्ष की बहस को सुनने के बाद जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और देर शाम आखिरकार महाराज कालीचरण को जमानत मिल ही गई। छत्तीसगढ़ रायपुर की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कालीचरण पिछले 3 महीने से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद थे। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कालीचरण की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बिलासपुर हाई कोर्ट ने कालीचरण को देर शाम जमानत दे दी। कालीचरण की तरफ से सीनियर एडवोकेट ने इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया, साथ ही किताबों में लिखी हुई बातों को भी प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने पहले फैसला सुरक्षित रखा, फिर देर शाम कालीचरण को जमानत दे दी।